हाय मैं अल्ताफ, बॉलीवुड अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। फटाफट देखते हैं क्या है आज की बॉलीवुड की टॉप 5 खबरें। शाहरुख खान की फैन हुई रिलीज, फैन को भा रही है फैन। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म फैन रिलीज हो गई है। एक फैन की प्यार से नफरत तक की कहानी इसमें दिखाई गई है। आमतौर पर फैन के बारे में मिली जुली प्रतिक्रियाएं सुनने मिल रही हैं, लेकिन शाहरुख के जबरा फैन के लिए यह एक बेहतरीन फिल्म है। अंगूरी भाभी उर्फ शिल्पा शिंदे पर नहीं लगेगा बैन, द कपिल शर्मा शो में आ सकती है नजर। छोटे पर्दे की अंगूरी भाभी उर्फ शिल्पा शिंदे के फैंस के लिए राहत की खबर है। सिंटा के सुशांत सिंह ने कहा है कि एसोसिएशन के पास किसी भी एक्टर पर बैन लगाने का अधिकार नहीं है। शिल्पा शिंदे ने भी इस मामले में भाभी जी घर पर हैं के निर्माता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद अब सिंटा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। अब सोहा अली खान और कुणाल खेमू के रिश्ते में भी आई दरार। बॉलीवुड में ब्रेकअप का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब सोहा अली खान और कुणाल खेमू के रिश्ते में दरार आने की खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक कुणाल चाहते हैं कि सोहा जल्द माँ बने, पर सोहा मम्मी बनने से पहले कुछ और फिल्में करना चाहती हैं, इसलिए वे माँ बनने को राजी नहीं हैं। इसी बात को लेकर दोनों में तकरार आ गई। रुस्तम की शूटिंग के आखिरी दिन अक्षय कुमार हुए इमोशनल। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने ट्वीट कर रुस्तम की शूटिंग पूरी होने की बात अपने फैंस के साथ शेयर की है। रुस्तम के आखिरी सीन से अक्की ने अपने फैंस को रूबरू किया है। बता दें कि रुस्तम रियल इंसिडेंट पर आधारित एक फिल्म है जो इसी साल रिलीज होगी। अपनी शादी में एक्सिस को नहीं बुलाएंगी बिपाशा बासु। बॉलीवुड की हॉट बंगाली बाला बिपाशा बासु और हैंडसम करण सिंह ग्रोवर 30 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बिपाशा फिलहाल शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की फेहरिस्त बना रही हैं। इसी दौरान बिप्स ने साफ कर दिया है कि वो अपनी किसी भी एक्सिस को शादी में नहीं बुलाएंगी। आज बॉलीवुड अपडेट में इतना ही। फिर मिलते हैं बॉलीवुड की टॉप 5 खबरों के साथ। तब तक देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप India.com पर लॉग ऑन करें और पढ़ते रहिए ताज़ा खबरें।